saiyo. कहा था ना डहानू वापस जाने को, क्यों रुके तुम दोनों यहां? साईं हमें माफ कर दीजिए साईं। एक अरसे के बाद हमारा शिरडी आना हुआ था और सिर्फ एक पल आपको देखकर यहां से लौटना हमें गवारा नहीं हुआ। हां साईं, हम आपसे बात करना चाहते थे, गुरु संवाद सुनना था। मैं गुरुपद के लायक हूं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ा गुरु तत्व यही है कि अगर गुरु कोई सुझाव दे, कुछ कहे, तो बिना किसी किंतु परंतु के उसका पालन करना चाहिए। आइंदा हम आपकी बात कभी नहीं टालेंगे साईं, इस बार के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो आज रात यहीं रुक जाओ। क्या हुआ, तुम लोग मेरी ये बात भी नहीं मानोगे? दरअसल साईं, कल सुबह तक हमारा धानु पहुंचना बहुत जरूरी है, सरकारी काम है, अगर नहीं पहुंचे तो हमारी नौकरी पर भी गाज गिर सकती है। फिर भी अगर आप कहेंगे यहां रुकने के लिए तो हम नहीं जाएंगे। इस बार हम आपकी बात को अनसुनी नहीं करेंगे सर। मेरा यकीन मानो, तुम दोनों का आज रात यहां रहना ही उचित है। गांव की औरतों ने आज अष्टमी के शुभ अवसर पर दीक्षितवाड़ा में घाघर भूंगने का कार्यक्रम रखा है, न्योता देने आई हूँ, आओगे ना? देवी माँ का बुलावा है और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? मैं जरूर आऊंगा, हो सकता है देवी माँ की कृपा से सबके उलझे काम सुलझ जाए। मैं कुछ समझी नहीं साई। राम जी अपने हर भक्त की उलझन दूर कर देते हैं, तुम्हारी भी करते हैं। तुम दोनों अभी वापस जाना चाहते थे ना, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन हाँ मेरी दो बातें याद रखना। पहली, रास्ते में गाड़ी कहीं भी रोकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। ठीक है साईं, और दूसरी बात, ये पुड़िया अपने झोले में रखना और ये झोला अपने पास ही रखना। आज्ञा दीजिए सर, चलते हैं। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए? ओम साई ओम साई ओम साई ओम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।